वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन सर। लेट अस वी स्टार्ट आवर यूनिट जो है हमारी ऑर्गेनाइजिंग की रहेगी आज कंप्लीट, और ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारा मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। तो अब जो है आप लोग अपने माइक को जो है ऑफ कर सकते हैं और वीडियोस को भी ऑफ कर सकते हैं बेटर क्वालिटी बेटर वॉइस के लिए, और आप ध्यान से सुनते रहे। बीच में कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बेटा कि एक तो ये पीपीटी जो है मेरे दोस्त हैं दीपक कुमार केवी कैथर से उन्होंने बनाई है, और मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये कंप्लीट जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पर है और बहुत सुंदर जो है ये पीपीटी बनी हुई है। इस पीपीटी को आप देखेंगे तो काफी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए बेटा यहाँ वर्ड लिखा है डोंट एगोनाइज। एगोनाइज का मतलब होता है वरिंग, वरिंग अबाउट एनीथिंग। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग and you get all the solutions automatically. चलिए start करते हैं। पहला point रहेगा हमारा इसके अंदर concept of organizing. Organizing है क्या basically? Organizing कहते किसे हैं हम लोग? अगर मैं organizing concept के बारे में बात करूँ तो organizing का मतलब है बेटा, मान लीजिए जैसे कि हम business में planning करते हैं, planning हमने की कि हम लोग जो है business को continue करेंगे with the डिपार्टमेंटल मैनेजर विद द मैनेजर ब्रांच मैनेजर विद द सबॉर्डिनेट्स। अब उनकी जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उनको जो काम हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा वो फ्रेमवर्क हम कहाँ बनाएंगे बेटा? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। उस फ्रेमवर्क को हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आकर डिस्कस करेंगे। देखिए इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग which making plans for achieving objective. हम planning जो हमने discuss किया था उसमें क्या पढ़ा था बेटा कि planning जो है वो किस purpose के लिए होती है, हम वहाँ plans बनाते हैं किसके लिए, जो हमारे objectives होते हैं उन objectives को achieve करने के लिए। अब उन objective को achieve करने के लिए planning करना केवल successful नहीं है हमारे लिए, planning करना ही केवल sufficient नहीं है, हमें उस planning को अच्छे से organize भी करना पड़ेगा, और वो हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। तो प्लानिंग इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज डन वेल बाय मैनेजमेंट, एंड सो ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान रखिएगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो प्लान्स है उनको यदि हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग विच इंश्योर्स है क्या बेसिकली? ऑर्गेनाइजिंग जो इंश्योर करती है दैट ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर अवेलेबल, द एंटरप्राइज इज स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट इट इज एबल टू अडॉप्ट टू द डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजिंग है क्या बेटा? जो कि फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो मेन रिसोर्स है वो कौन कौन से होते हैं बेटा? फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल में मशीन मटेरियल मनी मेथड्स हम इनको लेकर चलते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज में हम मैन पावर को लेकर चलते हैं। तो इनको हम जो है ना इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और इनको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एडजस्ट करना जो कि डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट है वो भी इसको अडॉप्ट कर सके, उसको भी हम इसको इसमें अडॉप्ट कर सके, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है बेसिकली? एक ऐसा फंक्शन है जो कि जितने भी प्लान हम बनाते हैं उन प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है, और साथ ही साथ जो हमारे फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स है उनको एक वेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, लेट अस लर्न ऑर्गेनाइजिंग इन अ सिंपल वे कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या बेसिकली। सपोज यू हैव ऑब्जेक्टिव टू अचीव मोर देन 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम एंड दिस ईयर and to get admission in the reputed college or university. आप suppose करिए कि आप क्या आपका objective है कि 90% number आप लोग लेंगे इस साल board के अंदर, और आप एक अच्छे reputed college में admission भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है? So what you have done to achieve your objective? तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, बताइए जरा। Simply, I'm sure you all must have prepared a plan for it. आपको कंफर्म है, मैं पूरा पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग उसके लिए प्लान बनाएंगे। प्लान क्या होगा आपका?
प्लानिंग होगी आपकी कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको जो है वर्क आउट कैसे करना है, आप किस तरीके से अपने पूरे रूटीन को पूरे दिन को जो है एडजस्ट करके चलेंगे, कि आप किस वक्त किस बुक को पढ़ेंगे, किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट आप रीड आउट करेंगे, प्रैक्टिकल्स है तो उनकी प्रैक्टिस कितने घंटे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इन सब के बारे में आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे। तब जब प्लानिंग आप कर लेंगे तो उसको आपको फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किस वक्त करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो है प्लानिंग का पार्ट। और उनको करने के लिए जो टाइम टेबल हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज वे में, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट मान सकते हैं। प्लान में बी लाइक टू डिवोट एटलीस्ट 5 hours इन अ वीक ऑफ सेल्फ स्टडी टू ईच सब्जेक्ट। और जैसा कि ये है कि 5 घंटे भी आप एक सब्जेक्ट को जो है ना कम से कम पढ़ने के लिए लगाएंगे, कि 1 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ ले और 5 घंटे में 5 सब्जेक्ट अपने क्लियर कर ले। इस तरीके से आप प्लानिंग करके चलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करके चलेंगे। तो योर प्लान इज परफेक्ट, बट फॉर अचीविंग योर गोल यू विल रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक ऑल रेलिवेंट बुक्स, ए प्लेस वेर यू कैन स्टडी विद कंसंट्रेशन, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक ए टीचर, मेंटर हु विल गाइड यू टू मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, हेल्प यू टू प्रिपेयर नोट्स, आंसर क्वेश्चन, मैनेज टाइम एटसेट्रा। ये सब चीजें आपको क्या पड़ेंगी बेटा, जरूर पड़ेंगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप क्या रियलाइज करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं अभी, आप सोचे जरा अपने बारे में कि आप क्या ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है अपने जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करें, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जितना भी काम हम इसमें करेंगे वो सारा का सारा क्या होगा हमारा बेटा, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो आई होप ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है कि प्लानिंग करना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और उस प्लानिंग को अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजिंग के नाम से बुलाएंगे। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग जो है एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसका पर्पज ही यही होता है कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं फिजिकल या ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकें, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकें। आई होप सो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, assigning duties to job positions and establishing relationship for the purpose of accomplishing the objective, that will be called as organizing. इसमें हमने basically जिन-जिन बातों को follow किया है, the part of organizing process, जैसे कि मैंने बताया identifying and division of the work, तो ये क्या है basically, ये organizing process का first step है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग द वर्क, तो ग्रुपिंग द वर्क जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि काम को हमने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की बात मैं अगर करूं तो हम काम को क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाइड करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, फिर उनको डिपार्टमेंट वाइज असाइन कर देते हैं। जब वो असाइन कर दिए जाते हैं तो ये हमारा थर्ड स्टेप बन जाता है, बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू द जॉब पोजीशन होल्डर्स। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन बना देते हैं, जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल होता है उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि भाई टॉप लेवल जो है मिडिल लेवल से रिपोर्ट मांगता है, मिडिल लेवल जो है लोअर लेवल से रिपोर्ट मांगता है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी स्टडी के बारे में ऐसा एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस काम की जो रिपोर्ट है वो आप किसको कर रहे होते हैं, अपने टीचर को, कि सर मैंने ये काम कर लिया, आप उसका पिक क्लिक करके ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे हमें इंश्योरिटी हो जाती है कि आप अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा बेसिक जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो चलिए मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को मैंने आपको डिफाइन किया, तो उसको एक बार पढ़ भी लेते हैं कि क्या है ये हमारे लिए। ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शन बाय डिसाइडिंग हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, हाउ एंड वेयर इट विल बी परफॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। अकॉर्डिंग टू थियो हेमेन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। यानी कि काम को डिफाइन करना, आइडेंटिफाइड करना, फिर उनको ग्रुप में बांटना और फिर उनको असाइंड करना उन व्यक्तियों को जिनसे हमें वो काम करवाने हैं, और उनके बीच में एक अथॉरिटी
रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, जिसमें हम अथॉरिटी रिलेशनशिप को बोलते हैं सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप, कि जो सुपीरियर और सबोर्डिनेट होते हैं उनके बीच में कैसे संबंध रहेंगे, किस प्रकार से वो अपने काम को एडजस्ट करके चलेंगे, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा काम करने के बाद। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बेटा, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विल एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल। जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो रॉ मटेरियल है, मशीन है, टूल है, कैपिटल है, ये सब हमारा कौन सा रिसोर्स है बेटा, फिजिकल रिसोर्स। और पर्सनल कौन सा रिसोर्स होता है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो फिजिकल रिसोर्स है और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उनका उपयोग कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि आपको इसके मीनिंग डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उन्हीं के अंदर से हम इसकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फाइंड आउट करते हैं। इन शॉर्ट कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि देखिए पहले पहले अक्षर को जोड़ देते हैं, आई डी ए ई। वैसे तो आइडिया बन जाता है, लेकिन आइडिया की स्पेलिंग होती है आई डी ई ए, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, आई डी ए ई। इसको भी शॉर्ट में याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये चीज है ना आइडिया। तो आइडिया को याद करें आई डी ए ई से। तो आइडिया में पहला आई क्या बताएगा हमें, कि हमें काम को आइडेंटिफाइड करना है और उसको डिवाइड कर देना है, डिवीजन ऑफ वर्क कर देना है। डिवीजन ऑफ वर्क करने के लिए हम क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। डिपार्टमेंट्स को हम क्या देंगे, ड्यूटीज असाइन कर देंगे कि आपका क्या काम रहेगा। और जब वो ड्यूटीज असाइन की जाएंगी तो उनके साथ साथ हम उनको अथॉरिटी भी देते हैं उस काम को करने के लिए, ताकि उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सके। उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है। मैं ये बात कर रहा था बेटा आपसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका सिंपल सा मतलब था बेटा कि काम को मैनेजेबल एक्शंस में बांटना। दूसरा काम कर रहे थे बेटा, दूसरी जो प्रोसेस का पार्ट था डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसमें मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि काम को बांटते तो हैं, तो उसको जब बांटते हैं तो किस बेसिस पर बांटते हैं। जैसे कि नॉर्थ डिवीजन साउथ डिवीजन बना दी, ईस्ट डिवीजन वेस्ट डिवीजन बना दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ डिवीजन में काम करेगी, साउथ डिवीजन में काम करेगी, ईस्ट डिवीजन में काम करेगी, वेस्ट डिवीजन में काम करेगी। या फिर उसको बांट सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पे, एक तो हो गया फंक्शन के बेस पे बांटना, एक हो गया प्रोडक्ट के बेस पे बांटना। प्रोडक्ट के बेस पे अगर बांटेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई फुटवियर बनाने वाली कंपनी फुटवियर बना रही है तो फुटवियर के बेस पे बना दिया। अगर वो बना रही है गारमेंट्स तो गारमेंट्स के बेस पे हमने उसके फंक्शन को ग्रुपिंग कर दी। तो ग्रुपिंग करना मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आइदर प्रोडक्ट और द फंक्शन, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। इससे हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट है बेटा असाइनिंग द ड्यूटीज। जब ड्यूटीज को हम असाइन करने का काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, देखिए ड्यूटीज को जब असाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जॉब्स को हम मेंबर्स को अलोकेट कर देते हैं उस हर एक डिपार्टमेंट के मेंबर को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस। यानी कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए परफेक्ट है, इफेक्टिव है, उसकी परफॉर्मेंस वो अच्छी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको वो काम असाइंड कर देते हैं। और आखिरी में एक जो स्टेप है हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसको फॉलो करके चलते हैं। वो स्टेप क्या है बेटा, वो स्टेप है हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। इसका मतलब है कौन किसको काम करने के बाद रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्लियरली एस्टैब्लिश सो दैट ईच इंडिविजुअल नोज Who has to take orders from and to whom he is accountable. इसका मतलब क्या है बेटा कि कौन किससे order लेगा और कौन किसको order, कौन किसके लिए responsible होगा। This help in coordinating amongst various department. और ये क्या मदद करेगा हमारी, जो different departments हैं उनमें coordination बनाने में हमारी ये मदद करेगा, उनमें coordination को ये establish करेगा। चलिए next चलते हैं। Next है हमारे पास इस प्रोसेस को यहाँ डिफाइन किया गया है, तो इसको एक बार थोड़ा सा मैं इसको जो है थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ, आप इसको सुने ध्यान से। सबसे पहले जो वर्क है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें हम किन किन चीजों को लेकर चलेंगे। टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब एज अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड प्लान्स। जॉब इज इक्वल टू क्या होगी, ए सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क to be performed as far as possible, it should define
एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अलोंग विद द जॉब। और उसके बाद हम दूसरा जो इसमें काम है डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स प्लस अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसका पर्पज हम क्या रखते हैं बेटा, ताकि स्पेशलाइजेशन आए स्किल्स में और एफर्ट्स में और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बच जाए। और मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड, और उनको हम आसानी से क्या कर सके, आइडेंटिफाइड भी कर सके। ये सारी बातें हम इसके अंदर लेकर चलेंगे पहले काम के अंदर जो मैंने आपको डिस्कस किया स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है बेटा, ईच वर्कर हैज ए स्पेसिफाइड टास्क, और एक वर्कर के पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड टास्क होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिक है तो इसके पास टूल्स होने चाहिए, ये बिजनेसमैन है तो मिडिल लेवल मैनेजर में हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये स्टोर्स एंड वेयर हाउसिंग में काम कर रहा है तो इसको वहां एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अलग अलग पिक्चर्स अलग अलग वर्क को डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट है बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट डिवीजन और सेक्शंस एंड प्लेसिंग देम अंडर ए डिपार्टमेंटल हेड, इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन। और इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करता है। द डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको लूं तो सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चार डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो चारों डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट जो है रॉ मटेरियल परचेज करना चाहता है तो ही रिक्वायर्स द फंड्स, तो वो किसको अप्रोच करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको फंड प्रोवाइड कराएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फंड प्रोवाइड कराएगा तो परचेज डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज करेगा। लेकिन वो खरीदता किसके अकॉर्डिंग है, सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। सेल्स डिपार्टमेंट उसको ये बताता है कि मार्केट में किस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड है, किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए कस्टमर को, तो उसके अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल परचेज करें। तो वहां परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो ये बताता है कि बस सेल्स डिपार्टमेंट ने जो रॉ मटेरियल बताया है उस तरीके का प्रोडक्ट अगर मुझे खरीद कर दोगे तो ही मैं वैसा प्रोडक्ट बना पाऊंगा। तो ये चारों डिपार्टमेंट आपस में क्या हुए, इंटरलिंक्ड हुए। तो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड भी होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन। जो इस तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोऑर्डिनेशन बने उनके बीच में और यूनिटी ऑफ एक्शन को वो फॉलो कर सके। नेक्स्ट है इसमें डिपार्टमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस एक्सेट्रा, कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टेक्सटाइल, केमिकल, पावर डिवीजन एक्सेट्रा, कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज। मैंने बताया नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्टर्न जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, ये एक जो है मेरे पास डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आप समझेंगे तो इसमें हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, जनरल मैनेजर है और हमने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, परचेजेज हैं, प्रोडक्शन है और मार्केटिंग है। हमने चार डिपार्टमेंट में जो है इसको डिपार्टमेंट इसके वर्क को चार डिपार्टमेंट में बांट दिया कि आपके पर्सनल आपके पास होंगे, परचेज और प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके पास होगा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ड्यूटीज को असाइन करेंगे, हर एक को उसका उसका काम दे देंगे ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इस पिक्चर को आप देख पाए तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा भाई किसका क्या काम रहेगा, यानी काम को हम उनकी नीड उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके अंदर आता क्या है देखिए, डिफाइनिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड अलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। हम इसमें करते क्या है, काम को डिफरेंट जॉब पोजीशन, अलग अलग जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर है उनको उनके अकॉर्डिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग काम बांट देते हैं। उसके बाद वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड, जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं देन द डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, और उसके एक जो ना हेड दे देते हैं जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड। जॉब्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट, और जॉब जो है ना इंडिविजुअल को इस तरीके से देते हैं ताकि वो उनको सूट करे, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके वो काम उनको प्रोवाइड किया जाता है, फिर ताकि जो सूटेड होता है जो काम उनको परफॉर्म करना है वो उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड ऑफ पीपल शुड बी मैच विद देयर ड्यूटीज। इन बातों का हम उन काम को बांटते वक्त ध्यान रखते हैं ताकि वो अपने काम को उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइन टू पर्सन हैविंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल वो सी ए हो या ही शुड हैविंग द नॉलेज ऑफ एन
अकाउंटिंग सब्जेक्ट और अकाउंटेंसी के बारे में वो जानता हो, उसके रूल्स मेथड्स को समझता हो, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको, तो वो उस काम को हम दे सकते हैं. जैसे मैनेजरियल फंक्शन है तो वी विल प्रोवाइड सच टाइप ऑफ फंक्शन टू दैट पर्सन दैट हु हैव डन एमबीए इन द एचआर मैनेजमेंट और परचेज मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट इवन. तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इसमें हम लोग करते क्या है बेटा, ग्रांटिंग रिक्वेस्ट इज अथॉरिटी टू इनेबल एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरीली. हम उनको जो ना अथॉरिटी देते हैं ताकि एम्प्लॉइज जो है अपने काम को सेटिस्फैक्टरी तरीके से पूरा कर सके. नेक्स्ट है इसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजिशन क्रिएटेड. और उनमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करते हैं सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम हुम ही हैज टू टेक ऑर्डर एंड टू हुम ही कैन इश्यू द ऑर्डर. नेक्स्ट है बेटा इसमें क्रिएट मैनेजमेंट हायरार्की. मैनेजमेंट हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द टॉप मैनेजर टू इंडिविजुअल एट लोवेस्ट लेवल. आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कि हम स्केलर चैन फॉलो करते हैं. तो स्केलर चैन को हम यहाँ फॉलो करते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, उनमें आपस में एक हायरार्की बन जाती है कि कोई टॉप लेवल मिडल लेवल को कम्युनिकेट करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को कम्युनिकेट करेगा, यदि लोअर लेवल की कोई समस्याएं हैं तो वो मिडल लेवल को कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसके बाद वो टॉप लेवल तक जाएंगी. तो दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. और ये सारा प्रोसेस जो हम करेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा हमारे लिए, कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करेगा. ये आप देख सकते हैं ये टॉप लेवल पर है, उसके बाद ये जो दो डिपार्टमेंट बना दिए, फिर इनको हमने काम बांट दिया किस तरीके से काम को ऑर्गेनाइज करवाएंगे और फिर ये अपने एम्प्लॉय से काम कैसे करेंगे. ये एक प्रकार का प्रोसेस दिखा रखा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब हम अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे हमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगेगा, इसकी इम्पोर्टेंस है क्या हमारे लिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क नॉट द होल टास्क. यानी कि हम इसके अंदर इंडिविजुअल को जब काम देते हैं तो किसी काम का कुछ हिस्सा देते हैं ना कि पूरा काम, क्योंकि हो सकता है कि एक काम वो पूरा ना कर पाए. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सब ये कह दिया जाए कि विजय सर आप पढ़ा दो या विक्रम सर आप पढ़ा दो या जो है गुलिया सर आ जाएं और ये कह दें कि भाई मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल है ऑनरेबल वो आ जाएं और ये कह दें कि जी सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, तो वहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा. यानी कि कोई टीचर अगर है तो स्पेशलाइज हो सकता है किसी पार्टिकुलर एक या दो टास्क में, सभी टास्क में वो स्पेशलाइज नहीं हो सकता. तो इसीलिए हम काम को जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि उससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो. दिस डिविजन ऑफ वर्क इंटू स्मॉलर यूनिट एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अब जैसे कि मैं हूँ, मैं बार बार अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी पढ़ाता आ रहा हूँ और मैं पिछले 7-8 साल 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मैं पार्टिकुलरली इस टास्क में क्या हो गया हूँ, स्पेशलाइज हो गया हूँ. अब मैं अगर खड़ा होकर लेक्चर देना चाहूँ तो उसके ऊपर मैं लेक्चर दे सकता हूँ, मैं मुझे इसमें बताने में समझाने में कोई समस्या नहीं आएगी. जैसे विजय सर है इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर वो पार्टिकुलर टॉपिक को उठाए और टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समस्या नहीं आएगी. तो ये सब क्या है, स्पेशलाइजेशन है. तो काम को अब छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग व्यक्ति को देकर उनको हम स्पेशलाइज कर देते हैं उस काम के लिए. थस ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट स्पेशलाइजेशन व्हिच इन टर्न लीड्स टू एफिशिएंट एंड स्पीडी परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, जिसके आधार पर काम क्या होता है, बहुत जल्दी होता है. अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल मान लो मैं किसी मैनुफैक्चरिंग कंपनी से ले लूं. मैनुफैक्चरिंग कंपनी के अंदर सपोज करिए कि कार मैनुफैक्चर्ड हो रही है. अब कार जो मैनुफैक्चर्ड हो रही है उसकी प्रोसेस है कि वो 4 स्टेप में बनेगी. सबसे पहले भाई उसकी बॉडी बनेगी, फिर उसमें उसका इंजन वगैरह जो होंगे वो सेट किए जाएंगे, फिर उसके टायर्स लगाए जाएंगे, फिर उसको फिनिशिंग दी जाएगी. तो ये सारे काम यदि एक व्यक्ति करने बैठे तो पहले तो वो क्या करेगा, बॉडी बनाएगा, फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करेगा, सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो लगाएगा, फिर उसको क्या देगा, शेप देगा, टायर लगाएगा, फिर उसके फिनिशिंग करेगा. तो इससे अच्छा है कि काम हम इस तरीके से बांट दें कि 4 डिपार्टमेंट बना दें कि एक डिपार्टमेंट भाई बॉडी मैन्युफैक्चर करेगा, दूसरा उसमें उसके पार्ट्स को लगाएगा, तीसरा उसमें उसके टायर को फिट करेगा, चौथा उसको फिनिशिंग शेप देगा. तो काम क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहेगा, काम कभी बंद नहीं होगा. नहीं तो एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, पहले एक चीज बनाएगा फिर उसकी दूसरी चीज करेगा, यानी कि नेक्स्ट बॉडी तो मैन्युफैक्चर होगी ही नहीं, काम रुक जाएगा. तो इसीलिए हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं वहां पर कि काम को डिपार्टमेंट में बांट दें और छोटे छोटे यूनिट में बांट दें ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके. तो इसीलिए इसका बेनिफिट भी क्या मिलेगा,
जब एक व्यक्ति बॉडी मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया जाएगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसने एक बॉडी पहली बनाई मान लीजिए एक दिन में, तो अगली हो सकता है कि वो 22 घंटे में बना दे, उससे अगली हो सकता है कि वो 20 घंटे में बना दे, और वो इतना स्पेशलाइज हो जाए कि हैबिचुअल हो जाए बॉडी बनाने का कि वो उसको जो है 10 घंटे में बनाकर तैयार करके दे दे हमें, तो इससे क्या मिलता है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है बेटा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, काम करने की भी समझ होती है इससे, क्लैरिटी आती है काम करने की। क्लैरिटी का मतलब है कि पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, किसका क्या काम होगा, उनमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इससे आता क्या है बेटा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि क्लियर कट हमें ये पता होता है कि जो जॉब है वो क्या है और जो वर्किंग रिलेशन है वो क्या है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विच रिजल्ट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम आपकी क्लास से कि अकाउंट मुझे दे दी गई पढ़ाने के लिए, बिजनेस भी मुझे दे दी गई, इकोनॉमिक्स विजय सर को दे दी गई, इंग्लिश गुलिया मैडम को दे दी गई, तो अब उसमें हम इफेक्टिव क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए रिजल्ट एट द एंड रिजल्ट आता है और रिजल्ट में सपोज करिए अकाउंट का रिजल्ट खराब आया, तो हम उसके लिए जिम्मेदार बना सकते हैं विक्रम सर को कि सर आपने इसका मतलब अच्छे से मेहनत नहीं की, बाकी टीचर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, या रिजल्ट खराब आया सपोज करिए बिजनेस स्टडी का, तो हम उसमें जिम्मेदार बना सकते हैं विक्रम सर को कि सर आपने बच्चों के साथ अच्छे से मेहनत नहीं की, नहीं तो अकाउंटेंसी का रिजल्ट देखिए वो अच्छा है, इंग्लिश का देखिए वो अच्छा। तो उससे क्या होता है कि उनकी क्लैरिटी होती है उनके काम की कि भाई वो अब उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए उनको हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, जिम्मेदार बना सकते हैं, उससे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना, यूटिलाइज करना। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में मेरे पास कौन कौन से रिसोर्स है, दो रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, इन्हीं को तो अच्छे से यूज करेंगे। और अच्छे से यूज करने का मतलब है कि वेस्टेज कम से कम हो, जो ह्यूमन पावर है पर्सनल है वो कम से कम अपना समय खराब करें, रेगुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें। तो द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन, इससे कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट होता, एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज भी रुकती है और जो ह्यूमन पावर है जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो एफर्ट्स भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो बहुत ही चेंजेबल इन्वायरमेंट है। उसमें आपने पढ़ा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कि पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इन फैक्टर्स की वजह से काफी चेंज आता रहता है। और वो चेंज जो है ना, उस चेंज के अलावा होता क्या है कि भाई मार्केट में नए कंपिटिटर भी आ जाते हैं, मार्केट में पॉलिसीज बदल जाती हैं, तो उन सब को हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करता है। तो ए प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल विच फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन वर्कलोड कॉज्ड बाय चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज एंड मार्केट्स एटसेट्रा। तो आई होप सो आप ये जो पॉइंट है क्लियर होगा। प्रोफेशन टू चेंज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है वो एक प्रकार से बिजनेस को डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है बेटा कि जो कर्मचारी है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी काम करता है, टाइम टू टाइम उनको बताता है, उनको जो है ना इस तरीके की इनके अंदर स्किल्स डेवलप करता है कि वो सोच सकें, क्रिएटिव आइडियाज हमें दे सकें, तो उसको हम यहाँ क्रिएट करते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू द सबॉर्डिनेट। और ये करता कैसे है कि काम को डेलीगेट करके, यानी कि जो पर्सनल होते हैं उनको हम जब काम देते हैं, मान लीजिए कि लोअर लेवल का एम्प्लॉई है, लोअर लेवल पे काम करने वाला, उसको हमने जो है ना थोड़ा सा अपर लेवल का काम दे दिया,
तो उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे कि कैसे वो मैनेज कर सकता है चीजों को, किस तरीके से वो चीजों को एडजस्ट कर सकता है, ये चीजें उसमें उसमें क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या देखते हैं, साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट देयर अथॉरिटीज, इट रिड्यूसेस देयर वर्कलोड सो दे कैन फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड इनोवेशन, दिस ऑल्सो डेवलप्स द सबऑर्डिनेट्स एबिलिटी एंड हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल। बताइए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आपको समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमने उसको जो है ना एक टास्क, पार्टिकुलर टास्क दे दिया कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉडी ऑफ ए कार करेगा, और वो धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइज हो गया। अब हम चाहते हैं कि वो उस दूसरे काम को भी सीखे, तो जब हम उसको दूसरा काम असाइन कर देंगे और धीरे धीरे उस काम को करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें थोड़ा सा इनोवेशन होगा, वो थोड़े से काम को वर्कलोड को एडजस्ट कर पाएगा अपने अंदर और एक नई स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो पाएगी, यानी उसमें एबिलिटी होगी कि वो अपनी जो उसकी पोटेंशियल है, यहाँ भाई वो एक काम के साथ दूसरा काम भी कर सकता है, उसको डेवलप करने में उसको क्या मिलेगी, मदद करेगी। और ऐसा केवल हम किसके द्वारा कर सकते हैं बेटा, डेलीगेशन ऑफ वर्क के द्वारा, कि हम अपने सबऑर्डिनेट को थोड़ा हायर लेवल का काम देकर उनके अंदर उस तरीके की स्किल से डेवलप कर सके, उसे ही हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट है बेटा इसमें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, लाइंस एंड न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। इसका क्या मतलब होता है बेटा, कि हम बिजनेस को अगर मान लीजिए एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस हमारा चल पड़ा, तो हम उसके अंदर नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए मैं जो है फुटवेयर का काम करता हूँ, अब फुटवेयर का काम मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं साइड बाय साइड क्या कर सकता हूँ, जो गारमेंट शॉप है, गारमेंट्स का बिजनेस है, उसको भी कैरी कर सकता हूँ, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक और प्रोडक्ट लाइन में उसमें ऐड कर सकता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए मैं झज्जर में काम कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि रोहतक में मेरा काम चले, तो मैं रोहतक में भी अपनी एक यूनिट खोल सकता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। और वो करने में कौन मदद करता है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग का एक रोल है कि वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। बेटा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या आता है जरा देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशंस अमंग ऑल द पर्संस वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, एक प्रकार का चार्ट होता है जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं कि टॉप लेवल पर कौन होगा, मिडिल लेवल पर कौन होगा, लोअर लेवल पर कौन होगा, और नीचे प्लेटफॉर्म एरिया पे हमारे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको हम वहां शो करते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है कि हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक कंसेप्ट आता है हमारे इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि हम डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाते हैं कि उन डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको वो डिपार्टमेंटल हेड आसानी से जो है ना क्या कर सके, मैनेज कर सके, उनसे काम करवा सके, आसानी से उनको हैंडल कर सके, तो उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में हमसे पूछ लिया जाता है। इसके अंदर धीरे धीरे चलते हैं, देखिए क्या पढ़ने को मिलता है हमें। हमने पढ़ा कि इट सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोर्ट्स आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पोस्ट का मतलब क्या है कि भाई हमने यहाँ परचेज मैनेजर रख लिया, सेल्स मैनेजर रख लिया, फाइनेंस मैनेजर रख लिया, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर रख लिया, इस तरीके की पोस्ट हमने क्रिएट कर दी, फिर उनमें हमने असिस्टेंट लगा दिए उनके, फिर हमने नीचे कर्मचारी उनके साथ जोड़ दिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट। रिलेशंस अमंग पर्सन वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड, और जो उनके संबंध होते हैं अलग अलग पोस्ट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिलेशंस को भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पर बेटा, डिफाइन कर देते हैं, उनको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इसमें, द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए बेसिस और फ्रेमवर्क। ये स्ट्रक्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एक बेस प्रोवाइड करता है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयर्स फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, जो वो काम करेंगे
उनके लिए एक बेस बना देता, स्ट्रक्चर बना देता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से एक्टिवेट होगा, कैसे वो काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे, उसमें देखते हैं कि इनमें बेसिकली एक टर्म जो है हम यहाँ पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन दोनों में संबंध क्या है, किस तरीके से इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए जो है हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो सबोर्डिनेट होते हैं उनको एक मैनेजर या सुपीरियर कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, वो हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट यूज अ सेव टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाते भी हैं। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, और ये जो है मदद करता है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको हम अरेंज कर सकते हैं कि कौन टॉप पे होगा, कौन मिडिल पे होगा और कौन लोअर पे होगा। एरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टाल स्ट्रक्चर, वेयर एज वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन फ्लैट स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, आप इस चार्ट को देखिए, चार्ट से आपको समझ आएगा कि भाई हम कैसे जो है हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, ये हमारा टॉप लेवल पे सीईओ है, फिर इसके साथ एक असिस्टेंट एडमिन रखा गया है, फिर हमारे पास सीओओ है, उसके बाद हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशनल मैनेजर, आईटी और वेब डिजाइनर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, वीपी ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको टीम में बांटते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस के लिए सर्विस अगर तो दी, अब ऑपरेशनल मैनेजर के अलावा करेगा, एरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिजाइनर का यानी कि वो वर्टिकल फॉर्मेट में करेगा, तो वो बताता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, वर्टिकल है, टॉल है, लंबा है। यदि हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वाइडर है, वाइडर का मतलब है कि जो है मान लीजिए मैनेजर है उनके अंदर हमने बहुत सारे व्यक्तियों को अपॉइंट किया है, तो बताता है कि हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर वो कैसा है, फ्लैट है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में एक मैनेजर होगा जो कि पार्टिकुलरली एम्प्लॉइज को जो है रिक्रूट करेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको हम बना सकते हैं। इसको बेसिकली स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो होता है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। जब फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो फंक्शन के बेस पर होता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो डिविजन के बेस पे होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर सकते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा देख ही लेते हैं आगे क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं तो इसमें हम बात करते हैं, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बात करूं, इस चार्ट में देखिए मैंने यहाँ काम किया मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन के बेस पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कि उसमें रिसर्च असिस्टेंट होंगे, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर होगा, और उससे रिलेटेड जो काम होगा वो सारे इस काम के द्वारा किए जाएंगे। तो इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एटसेट्रा। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम है उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स से रिलेटेड जो काम है उसको हमने सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, फाइनेंस से संबंधित जो काम है उसको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। ये होगा फंक्शन के बेस पर, फंक्शन के बेस पर हम कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सुइटेबिलिटी कहाँ होती है बेटा, इस स्ट्रक्चर को कहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है राइट द सुइटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, कहाँ पर इसको आप यूज करते हैं। तो सुइटेबिलिटी देखिए बेटा, एक तो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जैसे कि मैं बनाता हूँ फुटवियर्स, मैं बनाता हूँ सपोज करिए गारमेंट्स,
तो गारमेंट्स का मेरा काम है, तो मैं वहां पर जो है जेंट्स गारमेंट्स, चिल्ड्रंस गारमेंट्स, वुमेन गारमेंट्स, सारे प्रकार के गारमेंट्स मान लो मैं वहां मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो वहां पर जो प्रोडक्ट है मेरा एक ही है गारमेंट्स, तो उसके बेस पर मैंने क्या कर लिया, अलग अलग लेकिन फंक्शन होंगे हमारे उसमें, मार्केटिंग का काम अलग होगा, सेल्स का काम अलग होगा, प्रोडक्शन का काम अलग होगा, तो वहां पर ये सुइटेबल होगा हमारे लिए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया गारमेंट्स का, मैंने बताया कि मैं वुमेन्स के बनाता हूँ, मैं मेंस के बनाता हूँ, मैं जो है ना चिल्ड्रंस के बनाता हूँ, तो वहां पर चिल्ड्रन के लिए जो गारमेंट्स बनाए जाएंगे उनके लिए स्पेशलाइज डिपार्टमेंट होगा, स्पेशलाइज फंक्शन होंगे। लेडीज के लिए जो बनेंगे या वुमेन्स के लिए जो बनेंगे उनके लिए स्पेशलाइज डिपार्टमेंट होंगे, या मैन के लिए जो होंगे, जेंट्स के लिए जो होंगे उनके लिए स्पेशलाइज फंक्शन होंगे। तो ऐसी जगह भी हम इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। बेटा इसके अंदर स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, ये बताता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इसमें देखिए जनरल मैनेजर है एक, डिपार्टमेंटल हेड जिसे बोल सकते हैं, उसने अपने काम को जैसे ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, प्रोडक्शन और मार्केटिंग में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट क्या है। मैं यहाँ पर बेनिफिट स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आपको जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, क्या इनके मीनिंग समझ में आ गए, क्या इनका मीनिंग आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. सभी को yes, sir. इनका मीनिंग? तन्नू बेटा आप बताओ क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा वर्षा, नैन्सी, नेहा, लक्ष्य और साथ में जतिन अगर है तो जतिन बेटा क्या आपको इनके मीनिंग समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. एडवांटेजेस पे कंटिन्यू करें? Yes, sir. Yes, sir. एडवांटेजेस पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक बार मीनिंग दोबारा से बता देना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकुलर टर्म को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें जनरली उसकी फीचर्स आ जाती हैं या उसकी कोई पार्टिकुलर प्रोसेस के एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं, उन्हीं को हम शामिल करके चलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या था जरा देखें, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। तो ये इसका एक ऑर्गेनाइज्ड मीनिंग था हमारे सामने कि फंक्शनल स्ट्रक्चर था क्या, कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो कि हम ग्रुपिंग करके बनाते हैं, किसको, सिमिलर नेचर की जॉब को फंक्शंस के अकॉर्डिंग या अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बेस पर, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। उन्हीं में हमने कुछ फीचर्स निकाल ली, एडवांटेजेस निकाल लिए। क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, जब मैं एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करूंगा तो डेफिनेटली बेटा क्या होगी हमारी एक्टिविटीज ग्रुपिंग होने के बाद, हम उस काम को स्पेशलाइज्ड पर्सन को प्रोवाइड करेंगे तो एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस इट एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि ये स्पेशल जो फंक्शन होते हैं उन पर जोर डालता है। तो हमें यहाँ किस प्रकार का स्पेशलाइजेशन मिलता है बेटा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन यानी काम से संबंधित। बेटर डिसीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस Which results in specialization of function and its consequent benefit. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, which leads to occupational specialization, which kind of structure leads to occupational specialization? तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, functional structure, functional structure उसका हमारा आंसर होगा। Next है बेटा, coordination is established. अब definitely जहां पर एक structure होगा तो वो structure करेगा क्या, वो प्रमोट करेगा किसको, कंट्रोल को, कोऑर्डिनेशन को डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जो है वो सिमिलर नेचर की है, उनकी जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है तो उनके अंदर एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनाएगा ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, इट मेक्स द कोऑर्डिनेशन इजियर एट डिपार्टमेंटल लेवल। नेक्स्ट बेटा, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब जब हम किसी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है कि जो मैनेजमेंट होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको कम जो है ना सुपरविजन करना पड़ता है, उसको बार बार देखना नहीं पड़ता कि कौन क्या काम कर रहा है। अगर हमने काम को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, असाइन किया है, ड्यूटीज, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो अपना काम उस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और अगर वो अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट की क्या बढ़ती है बेटा, एफिशिएंसी।
जैसे कि मैनेजमेंट मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन व्हिच मेक्स देम स्पेशलाइज्ड एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी. तो अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि वो काम को जब अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अच्छा इफेक्टिवली प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेनिफिट भी बढ़ेंगे और कम से कम लागत भी हमारे प्रोडक्ट की आएगी. तो नेक्स्ट बेनिफिट हमारा इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है बेटा, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. तो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट में पढ़ते हैं इट लीड्स टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स व्हिच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ द स्केल एंड थस लोअरिंग द कॉस्ट. और वो कॉस्ट को क्या कर देता है, लोअरिंग कर देता है, कम कर देता है, लोअर्स कर देता है, रिड्यूस कर देता है, घटा देता है. नेक्स्ट है बेटा इसमें डिसएडवांटेजेस. और डिसएडवांटेजेस में मैं जाने से पहले एक और ज्यादा बेनिफिट आपको बताऊं तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉइज जो है, अगर इसमें एक आधे बेनिफिट की और बात करूँ तो ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज जो है वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो उनकी स्किल्स जो है वो जो है ना डेवलप हो जाती है मैक्सिमम, और जो है वो अलग अलग फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए भी स्पेशलाइज बन जाते हैं. आइए इनके डिसएडवांटेजेस पर चलते हैं. डिसएडवांटेजेस में हमारे पास पहला डिसएडवांटेजेस है बेटा इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. मैं सिंपली आपको एक ही बात कहूंगा यहाँ पर, देखिए सिक्का है ये तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक प्रकार का क्वाइन है. अगर क्वाइन है तो आपको पता है क्वाइन के दो फेस तो होंगे ही होंगे, एक वो फेस जहां पर हमें बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं, एक वो फेस जहां पर हमें उसके लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस दिखाई देंगी. तो हमने एडवांटेजेस तो पढ़ ली, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में. पहला मैंने डिसएडवांटेजेस कौन सा बताया आपको, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. अब हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने अपने काम को तो बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट के काम अच्छे हो या ना हो तो उससे होगा क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था ना वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. ऑर्गेनाइजेशन तो चाहता क्या था कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर अच्छे से काम करें, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट है, अगर मान लीजिए आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें और स्कूल में अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो वो टीचर क्या करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट को तो देखेंगे ना, अपने सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से कराएंगे लेकिन दूसरे की चिंता नहीं करेंगे, ना ही दूसरे के बारे में वो आपसे कोई डिस्कशन करते हैं, उनको सिर्फ अपने ही काम पर फोकस करना होता है. तो उससे क्या होगा कि वो अपना रिजल्ट तो बहुत अच्छा दे पाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरे टीचर्स के काम को अगर नहीं जज कर पाए या दूसरे टीचर्स के काम को नहीं आप लोगों से एसेस कर पाए तो क्या होगा कि वो ये उनको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. और ऐसे ही अगर आप भी एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर दें तो आपका उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, उनका रिजल्ट डाउन चला जाएगा. तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए, अच्छा रिजल्ट आप लोग दें, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे. तो उसको ये क्या करते हैं, इग्नोर्ड करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो ईच डिपार्टमेंट हैड्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस, दे ऑलवेज गिव मोर वेट टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स सफर. नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें हमारे पास, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या समस्याएं आती हैं उसको देखते हैं. ऑल द डिपार्टमेंटल हेड वर्क एज पर देयर ओन विशेस एंड व्हिच लीड्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट इजीयर बट इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट. देखिए बिल्कुल सही कहा इसने, ये क्या कहना चाहता है कि डिपार्टमेंटल हेड अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं और जिसके कारण क्या होता है, विच लीड्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट इजियर, और उनके डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेशन बड़ा आसानी से बन जाता है बट इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट. तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में सोचते नहीं है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, तो वहां क्या होता है कोऑर्डिनेशन अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो क्रिएट हो जाते हैं. डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जो कि बेसिकली जैसे कि मैं कहूँ कि मे अराइज, इट कैन बी अराइज हाउ, व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल. हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट जो है ना वो आपस में मैच ना करते हो, वो आपस में मेल ना खाते हो, तो वहां पर इस तरीके के कंफ्लिक्ट आ सकते हैं. तो उसको बोलते हैं बेटा डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट्स. नेक्स्ट है बेटा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट. डेफिनेटली अगर मैं जो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करूं तो उसको भी हम यहां पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी अगर डिपार्टमेंट केवल अपने अपने काम पर फोकस करेगा. यहां लिखा है
यहाँ लिखा है हमारे पास बिकॉज ईच एम्प्लॉई स्पेशलाइज ओनली इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब. तो अगर वो छोटे ही काम किसी पार्टिकुलर काम के लिए वो स्पेशलाइज है तो उसे होगा क्या, उसे ये होगा कि बाकी काम उसकी नॉलेज उसको नहीं होगी. और काम की नॉलेज नहीं होगी तो अगर हर एक व्यक्ति अपने अपने ही काम पे फोकस करेगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. इसके लिए जरूरी क्या है कि सभी लोग आपस में मिलकर काम करें, वो आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके चलें. चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इसमें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में बात के आए हैं. पहला पार्ट था बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. और आपको मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है कि या तो इसके डिफरेंस पूछ लेता है या इसकी केस स्टडी दे देता है. हम इसके बाद जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो एक दिन लगाएंगे इसकी कुछ केस स्टडी को डिस्कस करने पर. केस स्टडी को पढ़ेंगे विद आंसर को देखेंगे कैसे उनको सोल्व आउट किया जा सकता है, कैसे उनको समझा जा सकता है. तो अब स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से. तो डिवाइडिंग इसमें करते क्या है बेटा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है ना बेटा वो प्रोडक्ट के बेस पर होता है. किसके बेस पर होता है बेटा, प्रोडक्ट के बेस पर. इसको हम कह सकते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स क्रिएटेड ऑन ए सर्टेन बेसिस. वो बेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एटसेट्रा. हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर उन प्रोडक्ट के बेस पे हो. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, वो फुटवेयर के काम में भी लगी है, वो गारमेंट्स के काम में लगी है, वो कॉस्मेटिक के काम में लगी है, वो बुक्स के काम में भी लगी है. तो उसके पास चार प्रोडक्ट हो गए. तो चार प्रोडक्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चार स्ट्रक्चर तैयार करने पड़ेंगे. तो प्रोडक्ट के बेस पे जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसको बोलेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इसकी सुइटेबिलिटी कहाँ है बेटा, कहाँ पर ये सुइटेबल होता है, किस कहाँ का इसको हम अच्छे से जो है ना एप्लीकेबल कर सकते हैं. द स्ट्रक्चर इज सुइटेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. इसको हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रक्चर वहां पर सुइटेबल होगा जहां पर प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीपल है या बहुत सारे डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो हमें देता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. तो ये हमें क्या देता है बेटा, ये देता है हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. इसमें हम लोग क्या क्रिएट करते हैं बेटा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट होता है मेटल का है, प्लास्टिक का है, कॉस्मेटिक का है या फुटवेयर है या क्या है, तो उसमें हम स्पेशलाइज हो जाते हैं उस काम के लिए. Also growing companies which intend to add more lines of product in future adopt this structure. और वो कंपनियां जो भविष्य में अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, एक्सपेंड करना चाहती हैं, एक्सपेंड करना चाहती हैं, तो वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को अडोप्ट कर सकती हैं. इसमें नेक्स्ट है मेरे पास इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ देखिए दिया है. इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो आप समझेंगे. यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर दिया है, ऑटोमोबाइल एक प्रोडक्ट है, मेडिसिन एक प्रोडक्ट है, गारमेंट्स एक प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल अपना अपने आप में एक इंडस्ट्री हो गई. तो ये चार प्रकार के प्रोडक्ट उसके पास है. उन चारों प्रकार के प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे. एक के लिए ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, फिर परचेज, फिर प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग. ऐसा हम सबके लिए बनाएंगे और सबके लिए बनाएंगे तो उसके क्या कहेंगे, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बात पूछता हूँ, कन्फर्म करता हूँ कि एक बात बताइए मुझे कि अगर अलग अलग प्रोडक्ट होंगे तो डेफिनेटली उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे. तो फंक्शन अलग अलग होंगे तो उनके लिए डिपार्टमेंट भी अलग अलग बनेंगे. तो ये एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंसिव होता है. क्योंकि हम ये तो कर नहीं सकते कि जो डिपार्टमेंट मैंने ऑटोमोबाइल के लिए बना दिया एचआर डिपार्टमेंट, वो मेडिसिन का काम भी देख लेगा, वो गारमेंट्स का काम भी देख लेगा, वो टेक्सटाइल का काम भी देख लेगा. क्योंकि ये काम अलग है, ये काम अलग है, ये काम अलग है, इसलिए इनके लिए अलग अलग क्या बनेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसको बनाते तो प्रोडक्ट के बेस पे है, लेकिन उसके अंदर हम प्रोडक्ट में
डिपार्टमेंट को क्लासिफाइड करते हैं तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि उनके काम अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं बेटा, देखिए एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। पहला एडवांटेज है बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब हर एक डिपार्टमेंट देखिए जरा, इसमें मान लीजिए ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है, इसके ये चार डिपार्टमेंट हमने बना दिए। अब इस डिपार्टमेंट को यदि कोई डिसीजन लेना है तो उसको इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, गारमेंट्स टेक्सटाइल मेडिसिन वालों से, वो अपने डिसीजन खुद ले लेगा। ऐसे ही मेडिसिन वाला, ऐसे ही गारमेंट्स वाला, ऐसे ही टेक्सटाइल वाला, तो इसका मतलब क्या है कि क्विक डिसीजन यहाँ पॉसिबल है। डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस डिविजन इंडिपेंडेंटली व्हिच मेक्स डिसीजन क्विक एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट है बेटा डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। अब यहाँ फिर से आएगा, मान लीजिए ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट के जो ऑटोमोबाइल टाइप के जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, गाड़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें जो फंक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे, तो अगर मान लीजिए इस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट जो है वो कम हुआ और इनमें प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो हम लोग कर क्या सकते हैं बेटा, हम उनके रिजल्ट्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, असेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम है किसका ज्यादा है, और रिस्पॉन्सिबल भी हम उस डिपार्टमेंट को बना सकते हैं जिसका प्रॉफिट कम आया है। तो डिवीजन रिजल्ट्स प्रॉफिट और लॉस कैन बी असेस्ड इजीली ऑन द बेसिस ऑफ एनी अनप्रॉफिटेबल डिवीजन कैन बी क्लोज। और अगर हमें लगता है कि कोई पार्टिकुलर डिवीजन प्रॉफिट हमें नहीं दे पा रही है तो उसको हम बंद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप लोगों की चार यूनिट चलती है और चार यूनिट में आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, एक यूनिट तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, दूसरी भी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तीसरी भी, चौथी यूनिट से आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं ना, उसको बंद कर सकते हैं, तीन यूनिट पे फोकस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब देखिए जब ये डिपार्टमेंट हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे इस तरीके से अरेंज करते हैं, अगर मैं इसमें एक प्रोडक्ट और ऐड करना चाहूं तो क्या मैं उसको इजीली ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि उनसे ना तो इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ना इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ना कोई इस पे प्रभाव पड़ेगा, ना कोई इस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबके सबका जो प्रोडक्ट है उनके लिए डिपार्टमेंट अलग अलग बने हैं, तो जो नया प्रोडक्ट मैं ऐड करूंगा उसका भी डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, उनके काम का इन पर कोई वर्कलोड नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये तीन पॉइंट समझ में आए होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिविजनल रिजल्ट क्या होते हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन क्या होते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट है बेटा कंफ्लिक्ट। देखिए अब हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने काम में बिजी है, तो हर एक डिपार्टमेंट करेगा क्या? अगर मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तो एक ही होगा ना सभी के लिए, और वहां से जो ऑर्गेनाइजेशन से उन सभी डिपार्टमेंट को जो पैसा मिलेगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग डिमांड रख सकता है कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, यानी कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो वहां पर हमारे लिए समस्या बनती है। अगर हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो प्रॉब्लम कहां बनती है हमारे सामने कि उनके बीच में कंफ्लिक्ट आ सकता है कि रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे किया जाए। नेक्स्ट है बेटा डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन। अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, और वही फंक्शन सेम दूसरे उसमें भी हो रहे हैं प्रोडक्ट में, वही फंक्शन तीसरे प्रोडक्ट में भी हो रहे हैं, वही फंक्शन चौथे प्रोडक्ट में भी हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आप लोगों को तो आप देखेंगे कि यहाँ इसके लिए भी ये चार फंक्शन परफॉर्म होंगे, इसके लिए भी चार फंक्शन परफॉर्म होंगे, इसके लिए भी चार फंक्शन होंगे, तो ऐसा होगा क्या कि ये भी एचआर डेवलपमेंट फंक्शन करेगा, ये भी और ये भी, तो उससे हमारा अननेसेसरी एक्सपेंस भी बढ़ेगा और डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन भी बढ़ेंगे, जिससे हमारी लागत क्या होगी वो इंक्रीज होगी। एंटायर सेट ऑफ फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन, इट गिव्स राइज टू डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स अमंग द डिविजन एंड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट है बेटा सेल्फिश एटीट्यूड। डेफिनेटली उनके बीच में एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है जो कि क्या होता है, सेल्फिशनेस को बताता है, कि उनके अंदर अपने अपने परफॉर्मेंस को तो अच्छा करने की होड़ लगी होती है लेकिन वो दूसरों की मदद करने को तैयार नहीं होते। तो एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस एंड समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन, दिस शोज देयर सेल्फिश एटीट्यूड। तो इससे उनके अंदर क्या होता है बेटा कि सुपरसीडी आ जाती है कि मैं उस डिपार्टमेंट से अच्छा हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट से अच्छा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट का काम उस डिपार्टमेंट से या उस प्रोडक्ट लाइन के काम से ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा एटीट्यूड उनके अंदर क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया जा सकता, वहां पर हमें क्या रहेगी, नुकसान रहेगा, हमारे लिए समस्याएं क्रिएट होंगी।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अगर मैं देखूं तो अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। और डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, टू डिलीवर्ड करना। यानी कि यदि हम पावर दे दें किसी सबोर्डिनेट को काम को करने की, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके मीनिंग को समझें, इट मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबोर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। और जो अथॉरिटी दी जाती है ना, उसके साथ लिमिट लगा देते हैं। वो लिमिट होती है बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको ये अथॉरिटी दी जाती है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये काम परफॉर्म करना है, तो उसको बोलते हैं बेटा क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल सपोज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर सकता हूं। मान लीजिए सपोज करिए कि डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी के अंदर। कौन सी कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं और उन्होंने अपने मार्केटिंग मैनेजर से कहा कि हमें पर डे 100 कंप्यूटर सेल करने हैं। और ये जो टारगेट सेट कर दिया कि 100 कंप्यूटर पर डे हमें सेल करने हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया, अपने इस टास्क को अपने डिप्टी सेल्स मैनेजर को जो ना ट्रांसफर कर दिया। डिप्टी सेल्स मैनेजर को ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है कि अपने से नीचे लेवल पर जो काम कर रहा है उसको ये काम डिफाइन कर दिया, दे दिया। तो उस कंडीशन में डिप्टी सेल्स मैनेजर कुड नॉट अचीव द टारगेट। और डिप्टी सेल्स मैनेजर क्या हुआ कि वो काम को अचीव नहीं कर पाया। अगर वो काम को अचीव नहीं कर पाया तो होगा क्या कि इन दिस केस मार्केटिंग मैनेजर शैल स्टिल टू अकाउंटेबल टू द डायरेक्टर। तो अब इसमें ये तो नहीं होगा ना कि जो डायरेक्टर था वो सेल्स मैनेजर को, डिप्टी सेल्स मैनेजर को कहेगा बताओ भाई तुमने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका तो उसका आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था। कॉम्बिनेशन तो किसका था? डिप्टी सेल्स मैनेजर का मार्केटिंग मैनेजर के साथ और मार्केटिंग मैनेजर का डिप्टी सेल्स मैनेजर के साथ। तो मार्केटिंग मैनेजर ने डिप्टी सेल्स मैनेजर को अथॉरिटी दी कि आपको ये काम पूरा करना है, पर डे 100 कंप्यूटर हमने सेल करने हैं, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो केवल रिस्पॉन्सिबल होगा अपने मार्केटिंग मैनेजर के लिए, जबकि मार्केटिंग मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होगी इससे, क्योंकि उसको तो फिर भी जवाब देना ही पड़ेगा डायरेक्टर को कि काम पूरा क्यों नहीं कर पाए। और वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम डिप्टी सेल्स मैनेजर को दिया था कि इसकी वजह से मैं काम पूरा, भाई मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी, अब आपको ये काम करना था। आपने ये काम आप खुद करते, किसी और से करवाते, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको काम खुद ही करना चाहिए था या दूसरों से करवाना चाहिए था, तो काम तो होना चाहिए था ना। तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है बेसिकली उसको हम यहाँ इस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि अगर हम अपनी अथॉरिटी को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी भी दे दें। अकाउंटेबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता, उसका जवाब तो ओवरऑल मुझे ही देना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके स्कूल से। मान लीजिए अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, तीन सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं मैं और विजय सर, और अकाउंट और बिजनेस मुझे दिया गया पढ़ाने के लिए, और मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विजय सर को कह दिया कोई बात नहीं सर आप जो ना अकाउंट का पीरियड ले लें, और अगर किसी कारणवश अकाउंटेंसी का रिजल्ट खराब आता है और वो पीरियड जो है विजय सर ले रहे थे, तो मैं आगे मैनेजमेंट को ये नहीं कह सकता कि सर मैंने ये पीरियड विजय सर को दे दिया था इसलिए रिजल्ट खराब आया। हो सकता है कारण कुछ भी हो, बच्चा ना पढ़ा हो, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया लेकिन बच्चा ना पढ़ पाया हो, लेकिन समस्या कहाँ हुई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो उसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अकाउंटेबिलिटी मेरी ही थी, क्योंकि मुझे वो पेड़ मिले थे, लेकिन मैंने अपने पेड़ अपने जो है सबोर्डिनेट, अपने साथी को दे दिए, विजय को दे दिए, और विजय सर ने उन पेड़ को जो है लिया, बहुत अच्छे से मेहनत भी की, लेकिन फिर भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो उसमें फेलियर मेरा हुआ ना कि उनका। तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें हम एक स्टेटमेंट नॉर्मली बोलते हैं कि वेयर एवर देयर विल बी द अथॉरिटी there will be the responsibility automatically transferred, और automatically responsibility transfer होती है, accountability transfer नहीं होती है। इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं, the manager who delegates authority hold his subordinate responsible for proper performance of the assigned task। तो वो अपने authority को किसको दे देता है, subordinate को दे देता है, ताकि काम को वो proper तरीके से कर सके। इसको बोलते हैं बेटा multiply with one। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई विद वन तो उसका मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसको हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं, एक से ज्यादा को हम अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करते। अब प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी किसको दे सकता है, वाइस प्रिंसिपल को दे सकता है। ये तो नहीं कि वो जो है ना
अकाउंट के टीचर को दे जाएगा, इकोनॉमिक्स के टीचर को दे जाएगा, इंग्लिश के टीचर को दे जाएगा? नहीं ना, वो किसको देगा? अपने वाइस प्रिंसिपल को, जो उसके नीचे काम करने वाला सबोर्डिनेट। इसका मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी डन टू इमीडिएट सबोर्डिनेट, जो ठीक उसके नीचे काम करने वाला है वहां तक हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे नीचे हम इसको नहीं ले जा सकते। देखिएगा नेक्स्ट है इसमें, टू मेक श्योर दैट his subordinates perform all the works effectively and efficiently in expected manner, the manager creates accountability. ध्यान रखिएगा कि वो केवल अथॉरिटी देने के बाद नहीं कि आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाएगा, वो इस बात को जरूर देखेगा कि जो मैंने अथॉरिटी दी है क्या वो काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली और एफिशियंटली वो काम जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है मैनेजर की, क्योंकि मैनेजर ने जो अथॉरिटी दी है तो अकाउंटेबिलिटी उस मैनेजर की रहेगी जिसने वो पावर उस व्यक्ति को काम करने के लिए दी है। नेक्स्ट है इसमें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स में हम इसमें बेसिकली तीन बातों को लेकर चलते हैं, ए आर ए। ए का मतलब अथॉरिटी, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी। इसको शॉर्ट में मैं समझाऊं तो मैं ये कहूंगा जहां अथॉरिटी आप देते हैं वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है वहां हमारी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये जो ना एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अथॉरिटी क्या है? पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। अथॉरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंसेस द कंडक्ट ऑफ अदर्स। यानी कि मान लीजिए अपने स्कूल में डायरेक्टर सर है विकास सर, उन्होंने प्रिंसिपल सर को अथॉरिटी दे दी कि भाई सभी टीचर्स जितने भी हैं वाइस प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर वो उनसे वो काम करवाएं, तो ये क्या है? पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन और काम को करने के लिए मिलने वाली अथॉरिटी, और उस पावर का प्रभाव होता है दूसरों के काम का, यानी दूसरों के काम जो दूसरे लोग काम करते हैं उनके कंडक्ट ऑफ अदर्स का इस पर प्रभाव पड़ता है, इस पावर का ये पावर जो है उनसे अफेक्टेड होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? It is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duties. ये क्या है कि भाई ये एक प्रकार का obligation है, किस पर? जिसको हमने ये authority delegate की है। देखिए मैं यहाँ delegation of authority को define करूँ तो आप ये मान के चले Mr. A है, Mr. B है, Mr. C है। A जो है वो director है, B जो है वो principal है, C जो है वो vice principal है। तो director ने B को, प्रिंसिपल को कुछ काम दिया और उसने उस काम को जिम्मेदारी दे दी वाइस प्रिंसिपल को कि तुम करोगे इस काम को, और उसने वो काम जब उसको दे दिया तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो उस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो ऑब्लिगेशन है वो सबॉर्डिनेट की भी बनती है, किसके प्रति? बी के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति। और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन किसके प्रति बनती है? डायरेक्टर के प्रति। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बी है प्रिंसिपल है वो ये क्या कि पीछा छुड़वा लेगा कि जी मैंने जो काम वाइस प्रिंसिपल को दे दिया था वही करेगा सारे काम, मैं क्यों करूं, उसने काम ठीक से नहीं किया इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी व्हेन अ सुपीरियर इश्यूज ऑर्डर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू कैरी इट आउट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से कैरी करे। नेक्स्ट है बेटा इसमें अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? व्हेन अ सुपीरियर असाइंस सम वर्क टू ए सबॉर्डिनेट ही इज आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर, और वो उसकी सक्सेस या फेलियर के लिए आंसरेबल होगा। कौन? सुपीरियर, जिसको कि हमने वो काम दिया था, ना कि वो सबॉर्डिनेट जिसको कि सुपीरियर ने काम दे दिया था कि तुम इस काम को कर दो। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? The person who is delegating the authority. चलिए next है इसमें हमारे पास एक छोटा सा इसमें ना एक और point बनता है, principle of absoluteness of accountability. Absoluteness of accountability, जो की बात मैंने अभी आपको कही। देखिए delegation of authority तो कर दी, और इसका मतलब ये है कि जिसको हमने authority दी है subordinate को वो accountable भी है। वो accountable किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको अथॉरिटी दी है। लेकिन एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? उस व्यक्ति की जिसने की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया है। तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी
accountability cannot be delegated by a manager. The authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. Authority जो दी गई है वो हम subordinate से वापस ले सकते हैं और इसको redelegate भी कर सकते हैं यदि वो subordinate उस काम को करने के लिए लायक नहीं है या उस काम को करने में सक्षम नहीं है. Next है इसमें बेटा, the manager cannot escape from the responsibility for any default or mistake on the part of his subordinate. और अगर उसके सबोर्डिनेट से कोई गलती हो गई, वो काम को सही से नहीं कर पाया, रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाया, तो उसके फेलियर से मैनेजर बच नहीं सकता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी ओवरऑल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल ऑफ 100 यूनिट्स पर डे, द मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट्स दिस टास्क टू द डिप्टी सेल्स मैनेजर हु फेल्स टू अचीव दिस टारगेट, देन मार्केटिंग मैनेजर विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क of the performance of his subordinate. Thus, the accountability is always of the person who delegates authority. तो इसको हम define करते हैं, ये principle है बेटा, principle of absoluteness of accountability. क्या होती है कि overall accountability उसी व्यक्ति की होती है जिसने की authority को delegate किया है. यहाँ देखिए, assignment of duty, granting of authority, creation of accountability, ये तीन step में काम करती है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, authority देते हैं, ड्यूटीज को असाइन करते हैं, अथॉरिटी देते हैं और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक मैनेजर जो है वो अपने सबोर्डिनेट को क्या देगा, डेलीगेट करेगा अथॉरिटी. फिर उसके लिए जो अथॉरिटी को, ओके वर्षा बताइए क्या पूछना चाहते हो आप, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा. वर्षा आप पूछना चाह रहे हैं, यस वर्षा बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप. सर एक बार ये फर्स्ट पॉइंट से बता दो दोबारा. फर्स्ट पॉइंट में कहां से, ये अथॉरिटी कैन प्रिंसिपल वाला ही. ओके ओके ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको. चलिए देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है. अगर मैं ये कहूं कि आप तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, मान लीजिए वर्षा, नेहा और नैन्सी तीन पार्टनर हैं. अब वो तीनों पार्टनर एक फर्म में काम कर रहे हैं. वर्षा और नेहा ने तय किया कि नैन्सी तुम ये काम करोगी. अब अगर वो काम ठीक से नहीं कर पाई या उसका रिजल्ट खराब आया, तो उस रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल कौन रहेगा बेटा, वो दोनों ही रहेंगी, वो तीनों ही रहेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी में, वो तीनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगी. तो ऐसे ही एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती क्या है कि मान लीजिए मैं क्लास का इंचार्ज हूँ, क्लास इंचार्ज हूँ, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने, मेरे क्लास में एक जो है ना मॉनिटर है, मैंने उस मॉनिटर को कहा भाई सबके होमवर्क को चेक करो, और सबका उसने होमवर्क चेक किया, उसने एक अपने यारे प्यारे दोस्त का होमवर्क जिसका पूरा नहीं था उसका भी ये कह दिया कि इसका इसका काम पूरा है. तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि जब मैं नेक्स्ट डे काम करवाने लगा और मैंने नोटबुक चेक की, तो उस बच्चे ने कहा जी मेरा पिछला काम पूरा नहीं है. तो उस कंडीशन में वो नोटबुक चेक करके जब मैंने देखा कि काम पूरा नहीं है, तो उसके लिए अकाउंटेबल मैं हूँ. लेकिन अचानक प्रिंसिपल सर आ गए और प्रिंसिपल सर ने भी वो काम देख लिया और प्रिंसिपल सर को पता लगा कि इस बच्चे का काम पूरा नहीं है, तो उस काम, उसके काम पूरा ना होने के पीछे जवाबदेह कौन होगा, मैं होऊंगा बेटा, क्योंकि मैंने अपना काम दूसरे बच्चे को सौंप दिया था, मॉनिटर को सौंप दिया था कि तुम चेक कर लो, और उसने लापरवाही कर दी. तो उसकी लापरवाही की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि उस बच्चे की. मैं उस बच्चे को तो डांट सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर को ये नहीं कह सकता कि सर मैंने अपना काम इस बच्चे को दे दिया था, इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरी थी. तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी किसी भी काम को करके उसके रिजल्ट के प्रति. तो ये एग्जाम्पल जो था ना, वो एग्जाम्पल इसी तरीके का था बेटा. इसमें देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वो मार्केटिंग मैनेजर को कहता कि 100 यूनिट पर डे आपने बेचनी है, और मार्केटिंग मैनेजर अपने डिप्टी मैनेजर को कह देता कि तुम्हें ये टारगेट अचीव करना है, और वो मार्केटिंग मैनेजर इस टारगेट को अचीव करने में फेल हो जाता है. तो मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, उसके लिए आंसरेबल होगा कि काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी उसकी रहेगी किसके प्रति, चीफ एग्जीक्यूटिव के प्रति, ना कि ये कहेगा कि जी डिप्टी सेल्स मैनेजर को मैंने ये काम दे दिया था और वो इस काम को पूरा नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाया. तो ये उसकी गलती है कि उसको साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए था,
मैनेजमेंट भी करनी चाहिए थी, प्लानिंग भी देखनी चाहिए थी, सुपरविजन भी करना चाहिए था कि जो काम उसने अपने डिप्टी मैनेजर को दिया है, डिप्टी सेल्स मैनेजर को दिया है, क्या वो उस काम को करने में सक्षम है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर आया होगा। बाय रेजिंग योर हैंड यू कैन रिप्लाई। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर है, अब इनमें अंतर पढ़े तो जरा देखते हैं। पहला पॉइंट है बेटा मीनिंग का। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड असाइंड टास्क। इसको ऑब्लिगेशन कर लेंगे, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड असाइंड टास्क। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बेटा अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क। यानी कि इसको समझें तो किसी को राइट देना कि वो काम को करे, अगर वो अपने उस राइट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थर्ड पार्टी, और उस काम का जो आउटकम आता है उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है ओरिजन। अथॉरिटी कहां से क्रिएट होती है, अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। फॉर्मल पोजीशन का मतलब है टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। ऐसा नहीं होगा कि लोअर लेवल अपना काम मिडिल लेवल वाले को दे दे या मिडिल लेवल वाला अपना काम टॉप लेवल वाले को दे दे। ये फॉर्मल वे में चलती है। फॉर्मल वे का मतलब होता है वर्टिकल, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर। यानी कि एक सुपीरियर सबोर्डिनेट को अथॉरिटी दे सकता है, ना कि सबोर्डिनेट सुपीरियर को अथॉरिटी दे सकता है। फिर इसमें अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब किसी व्यक्ति को हमने कोई अथॉरिटी दी काम करने के लिए और उसने अपनी उस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया सबॉर्डिनेट को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जब क्रिएट होती है तो उसके साथ साथ क्या बन जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी। अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी कब आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड टू हैंड, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड टू हैंड। नेक्स्ट है बेटा फ्लो। फ्लो का मतलब है अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट होता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। यानी कि सबॉर्डिनेट सुपीरियर और देन और सुपीरियर, तो अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर चलता है। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। इसका फ्लो कैसे होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और अथॉरिटी में फ्लो कैसे होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। विड्रॉल कैन बी विड्रॉन एनी टाइम By giving notice, अगर हमने किसी को authority दे दी तो हम उसको notice देकर जब चाहे उससे उसकी authority वापस से ले सकते हैं। और responsibility क्या होती है बेटा, cannot be withdrawn once created, अगर हमने किसी की responsibility create कर दी तो उस responsibility को हम हटा नहीं सकते, उसकी responsibility बनी रहेगी वहां पर। और ये भी हम cannot withdrawn once created, जब accountability create हो जाती है तो उसको भी आप लोग withdrawn नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा, ये एक छोटा सा प्रोसेस बताया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। देखिए ये बीच में एक सेंटर में पर्सन है, इसने इन चार लोगों को ये अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है क्योंकि ये इसके सबॉर्डिनेट्स हैं। डेलीगेशन कैसे होता है, ये सेंटर में पर्सन आएगा तो टास्क वन इसको दे दिया, टास्क टू इसको दे दिया, टास्क थ्री इसको दे दिया, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मतलब मेन जो है बेसिकली हम कहें तो इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो पहला पॉइंट आता है बेटा रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। जो पर्सन होते हैं ना उनका वर्कलोड इससे क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। वर्कलोड कम होने का मतलब होता है कि वो आपस में उनका काम जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डेफिनेटली उनके वर्कलोड में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी थोड़ा क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, क्योंकि उनका काम कम हो जाता है। उनका काम किस में बढ़ जाता है, एग्जीक्यूटिव में बढ़ जाता है। तो इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर्स, दे कैन थस यूटिलाइज देयर टाइम इन मोर इम्पोर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क्स इंस्टेड ऑफ वर्क ऑफ डेली रूटीन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग उसे उसका मेन काम है, लेकिन उस साथ साथ उसको कंट्रोलिंग भी करनी पड़ रही है, डायरेक्टिंग भी करनी पड़ रही है। तो वो डायरेक्टिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम अपने मिडिल लेवल को दे सकता है और मिडिल लेवल उस काम को सुपरवाइजर्स को दे सकता है। तो उससे क्या होगा कि सभी का वर्कलोड कम हो जाएगा और वो मेजर जो एक्टिविटी है ना उस पर वो फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा इसमें इम्प्लॉइज डेवलपमेंट। इससे इम्प्लॉइज का क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट कैसे होगा, इम्प्लॉइज गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट।
which allows them to develop those skills which will enable them to perform the complex task also. सीधी सी बात है, जब हम अपनी अथॉरिटी को किसी सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई किसका काम करने की, अपने सीनियर का काम करने की, और उसका सीनियर का जो काम था उस तरीके की अपॉर्चुनिटी जिसको मिली है तो उससे क्या होगा, उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप होंगी, अगर फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उन स्किल का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज है उनका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है बेटा, क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब अगर मैं किसी को अथॉरिटी दे देता हूँ तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, डिसीजन आसानी से लिए जा सकते हैं, क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एनी फॉर मेनी लेवल्स, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है। मान लीजिए सब सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी, भाई तुम अपना एक काम करो और मैंने तुम्हें पावर दे रखी है, तुम इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है किसी अपर हायर लेवल मैनेजमेंट से, क्योंकि सुपीरियर ने उसको अथॉरिटी दे ही रखी है काम करने के लिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, द सबॉर्डिनेट आर ग्रांटेड सफिशियंट अथॉरिटी सो दे नीड टू गो देयर सुपीरियर्स फॉर टेकिंग डिसीजन कंसर्निंग द रूटीन मैटर्स। तो इससे क्विक डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है। नेक्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हाई मोरल ऑफ सब॑ॉर्डिनेट। अब इससे सब॑ॉर्डिनेट्स का मोरल, उसका उनकी उनका उनको मतलब मोटिवेशन मिलता है एक प्रकार से, उनकी कैपेसिटी जो है ना काम करने की वो बढ़ जाती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को शो करने की। तो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सब॑ॉर्डिनेट्स दे कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो उनसे उनका टैलेंट जो है ना वो निकल कर आता है, बढ़ता है, सामने आता है। नेक्स्ट है बेटा, बेटर कोऑर्डिनेशन। The element of delegation, authority, responsibility and accountability helps to define the powers, duties and answers ability related to various job position which results in developing and maintaining effective coordination. और अच्छा coordination भी उनके बीच में create होता है, और इससे होता क्या है कि वो व्यक्ति initiation लेते हैं काम करने का, क्योंकि उनको authority मिली है। अब मान लीजिए ये monitor को ये कहा हमने भाई तुम पढ़ाओ इस class में आज, तो वो अपने आप में थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा, आज मैं इनका टीचर बना हूँ, मैं इनको पढ़ाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग काम चेक करूंगा। और मान लो उसको मैं पावर दे दूं, बेटा इसका काम ठीक ना हो ना, एक आधा लगा भी दियो उसको, तो वो तो और फूल जाएगा, ओहो आज तो मुझे मौका मिला है लक्ष्य को पीटने का, मैं लक्ष्य को पीटूंगा। मान लो नेहा की, नेहा मॉनिटर है, नेहा को मैं मॉनिटर बना देता हूँ, नेहा को मौका मिले ये कब कब मेरे हाथे चढ़ेंगे, आज तो मुझे मौका मिला है, टीचर ने मुझे पावर दी इनको पीटने की तो मैं पीट देता हूँ। मान लो लक्ष्य को किसी दिन मॉनिटर बना दिया, लक्ष्य को मौका मिलेगा तो पूरी कसर निकाल लेगा, नेहा के ऊपर दमादम होने देगा। इससे क्या होता है ना, एक ना इनिशिएटिव आता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, ये काम करना हमारे लिए आसान होता है। नेक्स्ट है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद। देखो मैंने आपको बताया था डेलीगेशन क्या थी, मल्टीपल बाय वन, उसमें केवल हम एक व्यक्ति को जो हमारा इमीडिएट सबॉर्डिनेट होता है उसको पावर देते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन बाय मैनी, बहुत सारे लोगों के साथ अपनी पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसमें कि मान लीजिए ए ने अपनी पावर दे दी बी को, और बी ने अपनी पावर दे दी इस सी को, और सी ने अपनी पावर आगे डेलीगेट कर दी, है ना। तो एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट्स को जब हम इम्पोर्टेंस दे देते हैं, उनको डिसीजन दे देते हैं काम करने का, तो उसको बोलते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में चलते हैं, क्या है देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन होता है बेटा, decentralization of authority means dispersal of authority to take decisions throughout the organizational up to the lower level, यानी कि पूरे organization में हम authority को distribute कर सकते हैं decision लेने के लिए, from top level to lower level तक वो power distribute की जा सकती है। जैसे कि top level ने middle level को दे दी, middle level ने lower level को दे दी, lower level ने अपने employees को दे दी। It implies reservation of some authority with the top level management. ये reservation create कर देता है किसके लिए, top authority के लिए, वहां पर वो कुछ powers अपने पास बचा लेते हैं, क्योंकि वो powers अगर बचाएंगे नहीं ना तो होगा क्या बेटा, उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मैनेजमेंट मैनेजर अपने हिसाब से काम करेंगे, वर्कर अपने हिसाब से काम करेंगे, वो ना तो किसी को अकाउंटेबल बना सकते ना किसी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते, तो उस कंडीशन में कुछ पावर्स बचा लेते हैं ताकि अथॉरिटी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सके, एंड ट्रांसफरिंग रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है,
इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इट इज अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट सेंट्रल पॉइंट्स। इसका मतलब है कि हम इसमें जो सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं पूरे लेवल्स पर और सभी लेवल्स पर सभी डिपार्टमेंट्स पे, केवल उन एरियाज को छोड़ देते हैं जहां पर सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्लानिंग करना है, पॉलिसीज बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, वो किसके किसके हाथ में रिजर्व हो जाती है, वो टॉप लेवल को रिजर्व कर देते हैं कि वो काम केवल उन्हीं का ही है, उनकी अथॉरिटी हम लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दिस इम्पावर्स लोअर लेवल्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल्स। यानी कि जब उनको इस तरीके की पावर मिल जाती है ना तो उनको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने एंड पर ही सारे डिसीजन ले लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इसमें अकॉर्डिंग टू एलन जो है वो एक ऑथर हुए हैं, एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट द टू द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट ऑल सेंट्रल पॉइंट्स। सो इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय एलन। चलिए नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। एक वर्ड है बेटा सेंट्रलाइजेशन, एक वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब आपको पढ़ाया था तो उसमें एक प्रिंसिपल था हेनरी सोल का, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है उसने अपनी पावर्स लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो सेंट्रलाइजेशन क्या है, अथॉरिटी रिटेन्ड एट द टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फर्म। फर्म नीड्स टू बैलेंस द टू, और ध्यान रखिए किसी भी फर्म को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इनमें बैलेंस करना जरूरी है। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए जा सकते, और यदि वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देगा तो भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इनमें बैलेंस होना जरूरी है। इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन फर्म टॉप लेवल रिटेन्स अथॉरिटी फॉर पॉलिसीज एंड डिसीजंस विद द रिस्पेक्ट टू द होल फर्म, ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मिडिल एंड लोअर लेवल्स हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू टास्क एलोकेटेड टू देम। नेक्स्ट है बेटा इसमें हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस करके चलेंगे, है क्या जरा देखते हैं। रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमंग मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो किसको डिफाइन करता है, वो पैटर्न ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करता है जो मैनेजर्स में होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड्स इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द मैनेजर्स एट द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा, ना तो कंप्लीटली हम उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ना ही कंप्लीटली हम उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते। सो दे एग्जिस्ट टूगेदर एंड देर इज अ नीड फॉर ए बैलेंस बिटवीन द टू। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन द साइज देर इज टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, थस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पर इन दोनों की बहुत सख्त जरूरत होती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो दे कैन ऑप्ट द सेंट्रलाइजेशन, लेकिन उसमें भी कुछ पावर्स वो अपने सबोर्डिनेट्स को दे सकते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके। नेक्स्ट बेटा इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो क्या रहेगा हमारे सामने, देखिए पहली इंपॉर्टेंस है बेटा डेवलप इनिशिएटिव अमंगस द सबोर्डिनेट, यानी उनमें काम करने की भावना को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिकॉज द सबोर्डिनेट आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस। नेक्स्ट है बेटा क्विक एंड बेटर डिसीजन, तो जैसा कि हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पढ़ा था वैसे ही पॉइंट हम यहाँ भी पढ़ेंगे, और तकरीबन सारी बातें सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक लेवल पर होती है जबकि डेलीगेशन ऑफ जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो मैनी लेवल्स पर हम कर सकते हैं। तो इसमें भी क्विक एंड बेटर डिसीजन दे सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। द बर्डन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन डज नॉट लाई इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स बट गेट्स डिवाइडेड अमंग वेरियस पर्संस व्हिच हेल्प्स देम टू टेक बेटर एंड क्विक डिसीजंस। नेक्स्ट है relieves the top executives from excess workload. Yes,
The daily managerial works are assigned to the subordinates, which leaves enough time with the superiors, which they can utilize in the developing new strategies. Next है बेटा इसमें managerial development. तो managerial development में सीधी सी बात है, जब आप अपने subordinate को manager level का काम assigned करते हैं तो उनमें वो skills develop होती हैं, जिससे उनके अंदर क्या आता है, management managerial development create होता है. It means giving authority to subordinate up to the lower level to take decisions regarding their work. In this way, the opportunity to take decision helps in the development of a better organization. Last but not the least, हम थोड़ा सा और भी देखेंगे इसमें, better control. It makes it possible to evaluate performance at each level, which results in complete control over all the activities. बेटा नेक्स्ट हमारे पास इनमें ना डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस किसके बीच में है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. दोनों में अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें क्या होता है. तो इस अंतर को भी हम यहाँ समझ पाएंगे, जरा देखते हैं नेचर के बिहाफ पर डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. देखिए ये एक कंपल्सरी एक्ट है और ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है. चाहे तो हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, चाहे तो ना करें, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हमें करना ही पड़ेगा. अब ऐसा नहीं है कि स्कूल का प्रिंसिपल सारे पीरियड ले लेगा, अकाउंट भी बढ़ा देगा, उसको टीचर को अपॉइंट करने पड़ेंगे, उन टीचर को ड्यूटीज भी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तब वो काम होगा. तो ये कंपलसरी एक्ट है, ये ऑप्शनल एक्ट है. फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें लेस फ्रीडम होती है, इसमें मोर फ्रीडम होती है बेटा. स्टेटस, इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, वेयर एज इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये जबकि पॉलिसी डिसीजन मेकर है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट कुछ डिसीजन को अपने हाथ में रखता है. स्कोप, इसका नैरोअर स्कोप है, इसका वाइडर स्कोप है. आई होप सो इसको आप पढ़ लेंगे. नेक्स्ट है बेटा पर्पज. पर्पज में देखें तो टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, इसमें मैनेजर का बर्डन कम होता है, जबकि इसमें टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जो ऑटोनॉमी है उसको हम बढ़ाते हैं लोअर लेवल की, यानी कि वो खुद से काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और उनके रोल को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ तक जो था बेटा हमारा बेसिकली टोटल टॉपिक था, और मैं आप लोगों को कहूँ कि इतना ही हमारा आज के चैप्टर में है, और बाकी का जो जिसमें बच गया वो क्या बच गया हमारे पास बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, और एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे अपनी में. नेक्स्ट क्लास हम हो सकता है कि कर लें, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है. आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ और एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप लोग कर लेते मेरे साथ. चलिए एक मिनट का समय हमारे पास बचा है, उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी मीटिंग. मैं अपना जो है वीडियो ऑन कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने अपने वीडियोज पर आ जाइए. लक्ष्य, तन्नु, श्वेता, हाँ वेरी गुड बेटा, आप लोग जो है मुझे बताइए क्या आज का टॉपिक आपको समझ में आया, क्या ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर आपको ऐसा लग पा रहा है कि आप लोग जब करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे. मैडम जो है देखना चाह रही है, कह रही है मैडम मुझे दिखाओ कौन कौन बच्चे आए हैं आज क्लास के अंदर. चलो कोई बात नहीं, मैडम चली गई हैं. अब बताइए जरा मुझे क्या आपको आज का टॉपिक समझ में आया. यस सर. ओके, तो हमारी मीटिंग भी यहाँ एंड होती है. सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल.
हम।